स्टूडेंट आपका मैथमेटिक्स माइंड में स्वागत है और मैं डॉक्टर आर के मिश्रा। चूंकि हम लोग का जो टॉपिक चल रहा है वो बीएससी पार्ट टू पेपर फोर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें कि हम लोगों ने ग्रुप बी स्टार्ट किए हैं। ग्रुप ए बोले कि बाद में करेंगे, पहले ग्रुप बी का देख ले, हम लोग के चार क्वेश्चन क्लियर कर देते हैं तब ग्रुप ए में एंट्री करेंगे। इसके बाद लास्ट बचेगा ग्रुप सी, हम लोग ग्रुप सी दैट मीन्स की डायनामिक्स बचेगा, उसके बाद कंप्लीट आपका हो जाएगा, तब फिर पेपर थर्ड शुरू करेंगे। तो चलिए आज हम लोग जो है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पेपर फोर में जो है हम लोग कौन सा स्टार्ट किए हैं, तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन दैट मीन्स की ODE, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, इट मीन्स की पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हम लोग दोनों को मिक्स करके। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग पहले इलिमिनेट करने के लिए सीख रहे हैं। तो चलिए एक दो क्वेश्चंस और हम लोग आगे करते हैं, दो या तीन बता दिए थे फर्स्ट डे, आज मेरा ये सेकेंड वीडियो है, तो सेकेंड पार्ट का वीडियो है, पार्ट वाइज हम लिख देंगे, तो स्थिर से समझने की कोशिश कीजिएगा। और एक चीज, आप लोग का सहयोग प्यार मिल रहा है तो इस तरह से लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि हमें भी मजा आएगा और आपको भी मजा आएगा। और कमेंट जरूर कीजिए, हो सकता है कि कुछ त्रुटि हो तो उस चीज को हम सही करेंगे। तो फ्रॉम ए डिफरेंशियल इक्वेशन बोल रहा है क्या चीज, तो फ्रॉम ए डिफरेंशियल इक्वेशन, ध्यान से देखिएगा, बोल रहा है क्या चीज, तो फ्रॉम ए डिफरेंशियल इक्वेशन बाय इलिमिनेटिंग इलिमिनेट करना है क्या चीज, तो एफ को, फ्रॉम फंक्शंस दिया है कितना, तो जेड इक्वल टू एफ इंटू वाई बटे कितना है, तो एक्स है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये कहता है कि फ्रॉम ए डिफरेंशियल इक्वेशन इलिमिनेट करना है, तो सिंपल है, कहीं कोई इसमें दम नहीं है, तो हम लोग एफ को इलिमिनेट करना है। ये कैपिटल एफ स्मॉल एफ ने समझिएगा, दोनों एक ही एफ है। तो सबसे पहले जो दिया है पहले उसको लिख लीजिए, एफ क्या लिखेंगे, तो वाई बटे एक्स इक्वेशन, इसको क्या मान लेते हैं हम लोग, तो फर्स्ट मान लेते हैं। सबसे पहले इसको क्या करते हैं, पार्शली डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ये हो जाएगा डेल जेड बटे डेल एक्स इज इक्वल टू एफ डैश वाई बटे एक्स इंटू वाई बटे एक्स है। अब देखिए एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो बचा क्या, वन बटे एक्स, तो वन बटे एक्स को हम लोग क्या, यहाँ तो वाई तो रहेगा ही, वाई इंटू वन बटे एक्स को क्या लिखेंगे, माइनस वन बटे एक्स स्क्वायर। फिर से रिपीट कर देते हैं, एफ डैश वाई बटे एक्स, वाई रहा और वन बटे एक्स का माइनस वन बटे एक्स स्क्वायर। तो डेल जेड बटे डेल एक्स को क्या लिखे हैं हम लोग, तो पी लिखे हैं इज इक्वल टू एफ डैश वाई बटे एक्स मल्टीपल माइनस वाई बटे क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम लोग कर देते हैं, ये हो जाएगा कितना, तो पी एक्स स्क्वायर बटे वाई इज इक्वल टू माइनस एफ डैश वाई बटे एक्स, माइनस को इधर कर दीजिए, लिखेंगे माइनस पी एक्स स्क्वायर बटे वाई इक्वल टू एफ डैश वाई बटे क्या लिखेंगे, एक्स लिखेंगे। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर ए। अगेन हम लोग चलते हैं इक्वेशंस में, तो फिर से अगेन हम लोग क्या करते हैं कि पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू वाई, कौन सा इक्वेशन था, फ्रॉम इक्वेशन वन से, ये मेरे पास हो जाएगा डेल जेड बटे डेल वाई इक्वल टू, ये हो जाएगा एफ डैश वाई बटे एक्स इंटू वन बटे एक्स, इसमें कांस्टेंट हो जाएगा और वाई का क्या हो जाएगा, वन, इसमें कौन सा कांस्टेंट रहा था, तो वाई कांस्टेंट रहा था। अब हम लोग लिख सकते हैं डेल जेड बटे डेल वाई को क्या लिखेंगे, क्यू लिखेंगे, ये आ जाएगा वन बटे एक्स इंटू एफ डैश वाई बटे एक्स, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तो क्यू एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एफ डैश वाई बटे एक्स हो गया, एफ डैश कितना हो गया, वाई बटे एक्स हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं क्यू एक्स इक्वल टू एफ डैश वाई बटे एक्स को हम लोग क्या लिखे हैं, तो माइनस पी एक्स स्क्वायर बटे वाई, ज़्यादा दिक्कत है तो लिख दीजिए हेल्प ऑफ इक्वेशन नंबर ए से, ये एक्स कैंसिल, तो क्यू बराबर क्या हो गया, माइनस पी एक्स बटे वाई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, क्यू वाई बराबर माइनस पी एक्स, देयर फोर ये हो गया कितना, क्यू वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू जीरो, दैट इज ये मेरा क्या होगा, रिक्वायर्ड पार्शली डिफरेंशियल इक्वेशन। यही चीज हमको जो है समझ में आ गई होगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए एक प्रॉब्लम हम लोग क्लियर किए, सेकेंड नंबर क्वेश्चन करते हैं, बोल रहा है क्या चीज, तो फ्रॉम ए डिफरेंशियल इक्वेशन, थोड़ा सा आज खींचेंगे, फ्रॉम ए डिफरेंशियल इक्वेशंस, इसमें भी हम लोग को क्या करना है, इलिमिनेट करना है, इलिमिनेटिंग किसको, तो एफ को करना है, इस बार दिया है कितना, तो जेड इक्वल टू एफ
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जेड बराबर करते दिया एफ स्क्वायर जो एक्स स्क्वायर। चलिए सिंपल है, इसमें कहीं कोई दम नहीं लगता है। इक्वेशन इसको वन मान लीजिए, फिर से कर दीजिए पार्शली डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, पार्शली डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ये हो जाएगा डेल जेड बटे डेल एक्स इक्वल टू एफ का होगा एफ डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स के रेस्पेक्ट में है तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x और वाई स्क्वायर का हो जाएगा 0। कॉन्स्टेंट का कितना हो जाएगा 0। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, p लिख सकते हैं। तो p बराबर क्या लिखेंगे, p इज इक्वल टू ये हो जाएगा f डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और नीचे हम लोग लिख देते हैं कितना, तो 2x। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर ए, p बटे कितना हो गया तो 2x हो गया। फिर से अगेन हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, अगेन पार्शली डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू वाई, ये कितना हो जाएगा तो डेल जेड बटे क्या लिखेंगे डेल वाई इक्वल टू एफ डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 0 और वाई स्क्वायर का होगा 2y। इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो क्यू लिख सकते हैं इज इक्वल टू एफ डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नीचे हम कर देते हैं क्या चीज तो 2y। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर बी। अब देखिए RHS दोनों का बराबर है फ्रॉम ए और बी से, तो LHS बराबर कर देंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर ए एंड किससे, तो बी से। LHS बराबर है तो RHS बराबर कर देते हैं। तो P बटे कितना हो गया 2x बराबर Q बटे क्या लिखेंगे 2y, ये 2 कैंसिल, देयरफॉर हो जाएगा कितना PY बराबर QX। तो हम लिख सकते हैं पी वाई माइनस क्यू एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। यही चीज मेरा हुआ दैट इज द रिक्वायर्ड पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन। एक्चुअल में ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट है, ये दिमाग में नहीं लिखेंगे सर आप बार बार पार्शियली का है बोलते हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में ही एज ए पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट है। चलिए ये समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। कोशिश करते हैं 2-3 सवाल और, चलिए स्टार्ट। अब आते हैं 1-2 और सवाल को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि 2-3 से वीडियो नहीं आ रही थी, क्योंकि रिलेशन में एक एक्सपायर कर गया था तो उसी में हम लोग थोड़ा सा परेशान थे, तो इसलिए वीडियो नहीं आई। आज पूरा कंप्लीट हो गया, तो अब से जो है वीडियो आपका आते रहेगा कंटिन्यूसली फॉर्म में, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं फ्रॉम ए डिफरेंशियल इक्वेशन एलिमिनेटिंग, 1-2 और प्रॉब्लम करते हैं फ्रॉम ए डिफरेंस एलिमिनेटिंग। एलिमिनेटिंग इस बार क्या दिया है, एच एंड के, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। एच एंड के बोलता है किसको किसको एलिमिनेट करना है, एच और के को। यदि क्वेश्चन में है कितना, तो एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर और वाई माइनस के का होल स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर बराबर कितना है ए स्क्वायर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रॉम ए डिफरेंस। सबसे पहले कहीं कुछ नहीं करना, एकदम से स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाइए। तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, पार्शली डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, लेकिन आप लोग एकदम से स्टेप बाय स्टेप इस तरह लिखिएगा कि इसको करते हैं कैसे, तो पार्शली डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, शॉर्ट मत मारिएगा। तो ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, तो ये मेरे पास कितना दिया है, तो जेड दिया, पहले डिफरेंशिएट कीजिए, तो ये हो जाएगा 2 एक्स माइनस एच और एक्स का डिफरेंशिएशन 1, कॉन्स्टेंट का 0, फिर बीच में प्लस, यहाँ पे तो टोटल वाई ही है, ये टोटल पोर्शन 0 होगा, जेड स्क्वायर का होगा 2z, इसके बाद होगा डेल जेड बटे डेल एक्स और ए स्क्वायर क्या है कॉन्स्टेंट। फिर से रिपीट कर देते हैं 2 एक्स माइनस एच होगा, ये शुद्ध कांस्टेंट है, वाई भी कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट है, इसमें एक्स था इसलिए जेड का जानते हैं, क्योंकि कही कि ये भी तो कांस्टेंट है, तो आप कहे लिखे, क्योंकि डेल जेड बटे डेल एक्स इक्वल टू पी होता है, ये हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े हैं इसलिए इसको लिखे हैं। तो हम इसको क्या लिखेंगे बताइए, तो 2z डेल जेड बटे डेल एक्स इक्वल टू माइनस 2 एक्स माइनस एच, ये टू क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ये टू कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद हम लिख सकते हैं क्या चीज कि जेड के लिखा क्या लिखेंगे, डेल जेड पी लिखेंगे इक्वल टू कितना माइनस एक्स माइनस क्या लिखेंगे एच लिखेंगे, एक्स माइनस क्या लिखेंगे तो एच लिखेंगे, ठीक है राइट। तो इस चीज को हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स माइनस एच लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, तो एक्स माइनस एच इक्वल टू क्या लिखेंगे तो माइनस पी जेड, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर ए। फिर से देखिए सिमिलरली यहाँ तक हम लोग लिख लिए एक्स माइनस एच, फिर सिमिलरली हम लोग क्या करते हैं कि पार्शली डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू वाई, तो ये हो जाएगा कितना, ये तो शुद्ध कांस्टेंट हो जाएगा इस पोर्शन में, फिर आगे करेंगे कि 2 वाई माइनस के, वाई का 1 कांस्टेंट का 0, जेड स्क्वायर का हो जाएगा 2z
इधर होगा डेल जेड बटे डेल वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट का जीरो। तो हम लोग लिख सकते हैं टू जेड डेल जेड बटे डेल वाई इक्वल टू माइनस टू वाई माइनस के, ये दोनों क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो हम लोग क्या लिखेंगे दैट इज कॉल टू टू कैंसिल हो गया, यहाँ पे हो गया कितना तो डेल जेड बटे डेल वाई इक्वल टू माइनस वाई माइनस के और बटे सॉरी यहाँ पे जेड की हो जाएगा अच्छा वाई माइनस के यहाँ तो जेड हो जाएगा इतना हो जाएगा ये हो जाएगा कितना जेड डेल जेड बटे क्यू लिखते हैं माइनस कितना हो जाएगा वाई माइनस के डेल फोर y माइनस के इक्वल टू कितना होगा माइनस जेड क्यू, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर डी। अब देखिए दोनों में जो है हम लोग क्या करते हैं कि वैल्यू ही पुट कर देते हैं, पुट कर देते हैं किसका तो x माइनस एच का और एंड y माइनस के का, हम लोग क्या करते हैं पुट करते हैं किसमें तो इक्वेशन नंबर वन में जो ओरिजिनल इक्वेशन है ये इक्वेशन को वन मान लेते हैं। कितना हो जाएगा देयर फोर एक्स माइनस एच कितना है तो माइनस पी जेड का होल स्क्वायर हो जाएगा बीच में प्लस y माइनस के कितना है तो माइनस जेड क्यू का होल स्क्वायर प्लस कितना है जेड स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, यही चीज हो गया। तो जैसे हम लोग इलिमिनेट करेंगे तो ये पोर्शन जो लिखेंगे ये मेरा कितना हो जाएगा पी स्क्वायर जेड स्क्वायर बीच में प्लस जेड स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, यही हो गया दैट इज द डिफरेंस इक्वेशन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपको उम्मीद करते हैं कि समझ में आराम से आ रही होगी, कहीं कोई दिक्कत ना। एक दो सवाल और हम लोग करते हैं तब ये वाला पोर्शन जो है जनरल मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब क्या बोलता है कि एलिमिनेट द डिफरेंशियल इक्वेशन, चूंकि दो तीन दिन से वीडियो नहीं आ रही थी ठीक है आज जम के बताएंगे। फ्रॉम ए डिफरेंशियल इक्वेशन देखिए एलिमिनेट करना है, क्या चीज एलिमिनेट करना है तो इसमें इस बार करना है स्मॉल f और कैपिटल f, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्मॉल f कैपिटल f फ्रॉम लिखा है कितना तो z इज इक्वल टू मेरा दिया है कितना तो स्मॉल f x प्लस आई वाई कैपिटल f x प्लस आई वाई। चलिए इसी सवाल करें कैपिटल f x माइनस आई वाई है मोस्ट इंपॉर्टेंट यह सवाल है। देखिएगा फ्रॉम ए डिफरेंस, चलिए इस चीज को सबसे पहले क्या करते हैं प्रूफ नहीं करना है बल्कि सॉल्यूशन करना लिख देते हैं। फ्रॉम ए इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, अब हम लोग क्या करते हैं पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा तो डेल जेड बटे डेल, याद रखिएगा इसमें दो वेरिएबल है एक्स और वाई इसलिए दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा डेल जेड बटे डेल एक्स, ये तो हो जाएगा एफ डैश एक्स प्लस आई वाई एक्स का वन कांस्टेंट का जीरो, बीच में इसका भी सेम खेला होगा एफ डैश एक्स माइनस आई वाई यहाँ एक्स का वन कांस्टेंट का जीरो, ये पोर्शन में अगर लिखेंगे अरेंज करके तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स प्लस आई वाई बीच में प्लस एफ डैश एक्स माइनस आई वाई, इसमें कहीं कोई तर्क नहीं था तो ये डेल जेड बटे कितना हो जाएगा डेल एक्स हो जाएगा। फिर से अगेन डिफरेंशिएट, इसलिए दो बार कर रहे हैं कि एक्स वाई दो वेरिएबल है, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे ये हो जाएगा डेल टू जेड बटे डेल एक्स टू इक्वल टू एफ डबल डैश एक्स प्लस आई वाई, फिर एक्स के साथ वन है कॉन्स्टेंट का से जीरो है, फिर इसको हम लिखेंगे क्या कि एफ डैश एक्स माइनस आई वाई एक्स का वन कॉन्स्टेंट का जीरो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा सिर्फ लिखा गया क्या एफ डैश एक्स प्लस आई वाई बीच में प्लस एफ डबल डैश एक्स माइनस आई वाई, इस चीज को हम लोग जो है अब मान लेते हैं इक्वेशन नंबर एक। तो ये मेरे पास क्या निकला डेल टू जेड बटे डेल एक्स टू, याद रखिएगा हमको इलिमिनेट करना है राइट। अब फिर से चलते हैं अगेन हमको क्या करना है पार्शली डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू y करना है, जैसे y करेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं डेल z बटे कितना होगा डेल y इज इक्वल टू ये मेरा हो जाएगा f डैश x प्लस आई वाई एक्स का जीरो हो जाएगा प्लस i और y का वन होगा, फिर से इसको करेंगे तो f डैश x माइनस आई वाई एक्स माइनस आई वाई ये x मेरा है x का क्या होगा जीरो होगा माइनस i इंटू y का क्या हो जाएगा वन, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज तो f डैश x प्लस आई वाई मल्टीप्लाई बाय आई बीच में हो जाएगा माइनस f डैश x माइनस आई वाई मल्टीप्लाई बाय आई,
ये मेरा क्या हो गया, तो डेल जेड बटे कितना हो गया, डेल वाई। फिर से इसको रिपीट करते हैं, अगेन हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, अगेन पार्शियली डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू वाई, तो मेरे पास हो जाएगा डेल टू जेड बटे डेल वाई टू इज इक्वल टू एफ डबल डैश एक्स प्लस आई वाई, ऑलरेडी आई पहले से था, फिर इसके साथ आई मल्टीपल होगा क्योंकि एक्स का हो जाएगा जीरो, आई इंटू वाई का वन, फिर बीच में माइनस एफ डैश एक्स माइनस आई वाई, आई ऑलरेडी था इसके साथ फिर अटैच करेंगे क्या हो जाएगा माइनस आई, तो हम लोग लिख सकते हैं एफ डबल डैश एक्स प्लस आई वाई आई इंटू आई आई स्क्वायर माइनस एफ डैश एक्स माइनस आई वाई आई गुना आई आई स्क्वायर, आगे था माइनस, तो हम लोग पढ़े हैं अलेवेंथ में कि आई स्क्वायर का मान कितना होता है माइनस वन, तो ये हो जाएगा एफ डबल डैश एक्स प्लस आई वाई, आगे में माइनस देते हैं इसका माइनस माइनस क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, फिर हो जाएगा क्या चीज आई स्क्वायर का मान माइनस वन माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस क्या हो गया एफ डैश एक्स माइनस आई वाई, ये इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर क्या मान लेते हैं बी। अब दोनों को हम लोग क्या करते हैं ऐड कर देते हैं, ए प्लस क्या लिखेंगे बी, तो क्या हो जाएगा मेरे पास, तो डेल टू जेड बटे डेल एक्स टू प्लस डेल टू जेड बटे डेल वाई टू इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिखा है, तो एफ डबल डैश एक्स प्लस वाई एफ डबल डैश एक्स माइनस आई वाई बीच में माइनस एफ डबल डैश एक्स प्लस आई वाई अब माइनस एफ डैश एक्स माइनस आई वाई डबल डैश। अब देखिए ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल टोटल कैंसिल हो गया, तो हम लोग लिख सकते हैं डेल टू जेड बटे डेल एक्स टू डेल टू जेड बटे डेल वाई टू इक्वल टू जीरो, स्मॉल एफ और कैपिटल एफ दोनों कंप्लीट हो गया सॉरी एलिमिनेट हो गया। तो चलिए आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं और नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो आज हम लोगों ने 3 से 4 सवाल किए, 3 सवाल के लमसम किए, तो कोशिश करते हैं कि आपको समझ में आ रही होगी, टोटल का फेयर बनाते हुए चलिएगा। तो आज के लिए इतना ही, और एक चीज़ बोलना था कि आप लोग कम से कम वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए जो कि अगर त्रुटि है तो उस चीज़ को सही किया जाए। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है, और वीडियो को शेयर लाइक जरूर करें, धन्यवाद वाचिंग द वीडियो, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए, चलिए थैंक यू, घर पे रहें सुरक्षित रहें।